यूं तो कहा जाता है शादी खाना बर्बादी, आवाम से जान लेते हैं लव मैरिज, अरेंज मैरिज या फिर अगर लव है तो भाग के शादी, क्या चाहते हैं वो, आइए आवाम से जानते हैं। ये लव मैरिज ठीक है या अरेंज मैरिज ठीक है? अरेंज मैरिज ठीक है। कैसे? लव मैरिज ठीक है। कैसे? मेरे ख्याल से तो लव मैरिज सही है। अरेंज मैरिज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थोड़े दिन बाद वैसे भी इंसान का दिल भर जाता है। कम एज वाला बच्चों से जब पूछेंगे तो ये आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत सारे जो है ड्रामा, बहुत सारे फिल्मों में देखा जा रहे हैं, वो अपनी सोच में ऐसा रखते हैं कि कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। अरेंज मैरिज बेस्ट है। कि आप क्या पसंद करेंगे, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज ऑब्वियसली। वैसे तो बड़े जो हमारे हैं वो बेहतर फैसला करते हैं, हमेशा से जो है अरेंज मैरिज ही कामयाब होती है। अरेंज मैरिज मैं तो कहूँगा कि अरेंज मैरिज करनी चाहिए। देने के बाद जो है सारा माशरे में यही समझ आता है कि भाई ये जो अपनी मर्जी में है ना, ये बड़ा मजे की होती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि माशरे में लव मैरिज कामयाब है या अरेंज मैरिज कामयाब है? माशरे में अरेंज मैरिज कामयाब है। कि माशरे में लव मैरिज कामयाब है या अरेंज मैरिज कामयाब है? लव मैरिज सही है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक दूसरे से, कम्युनिकेशन हो जाती है, एक दूसरे की हैबिट पता होती है। मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज ठीक है। अगर लव मैरिज है दो दिन बाद और पसंद आ जाती है तो वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहता, क्योंकि इसमें आपको बेशक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती पर टाइम के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो है तो फिर अपनी माँ बाप की मर्जी हो, जो फैमिली की मर्जी हो, वो कुछ और तरीके से करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये होता है कि जब लैला मजनून की टाइप का हो तो फिर लैला और मजनून की मामला तो अपना ही मज़ा है। अगर लैला मजनून के टाइप का नहीं है तो फिर माँ बाप की नस्बत में वाला तो बहुत, क्योंकि लव मैरिज में ज़्यादा जो है ना वो अभी तक जो एवरेज है ना पाकिस्तान में, इवन के ओवरऑल कंट्रीज़ में है, ठीक है, उसके नुकसान नहीं हुए हैं, वो 2-3 साल चलते हैं, उसके बाद फिर ख़त्म। मुझे लगता है कि लाइक पेरेंट्स आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं जब आप लव मैरिज करते हो, तो एक तो उसके लिए पहले बहुत हैसल है। लव मैरिज में जब आप नाकामयाब हो जाते हैं तो उसका कोई सलूशन नहीं, इसलिए जो बड़े फैसला करते हैं वो हमेशा परफेक्ट होता है। जबकि अगर लव मैरिज में जाएंगे तो सारा कुछ उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना, उनके साथ फैमिली खड़ी होती है दोनों के साथ, ना लड़के के साथ ना लड़की के साथ, क्योंकि सारा डिसीजन उनका अपना होता है। तो मेन फैक्टर जब भी कोई, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो फैमिली के आगे जाके चल के आनी आनी होती हैं, 4 साल बाद 5 साल बाद बच्चे होते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, इंसान की अपनी चीज़ें बढ़ती हैं, तो वो डेफिनेटली पीछे मुड़ के देखता है, तो वो सपोर्टिंग एंड उसके पास नहीं होता और उस टाइम टेकिंग है इतना टाइम स्टूडेंट्स के पास तो एटलीस्ट नहीं होता, इसलिए कि बहुत सी मुश्किल जो बाद में फेस करनी पड़ती हैं दोनों मियाँ बीवी को, तो फैमिली के जो हजरात होते हैं बड़े जिन्होंने रिश्ता करवाया था वो आपस में बैठ के उस मसले को हल कर सकते हैं। ये घर वालों की मर्जी के मुताबिक करनी चाहिए, क्योंकि जब घर वाले आपको छोटे होते हैं आपको इतना आपको पालते हैं पोसते हैं आपकी पढ़ाई का खर्चा करते हैं, क्योंकि ये वैसे जो है बच्चों की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। कैसे? इसलिए कि ये वो बड़े बुज़ुर्गों के साथ है, आपस में जो करते हैं वो समझदार होते हैं, जो जज्बाती फैसला होता है वो ठीक नहीं होता, तो जो वालदैन तय करते हैं जो चीज़ वो सही होती है। और दूसरी चीज़ ये कि पेरेंट्स जो हैं वो आपको इस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, एंड आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एज़ कम्पेयर टू कि मैं किसी से लव मैरिज करूँ। देखिए, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी से पहले पूछा था कि आप हज़रत अली से नकाह में जाना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी। तो इसलिए जो है बच्चों को तरजीह देनी चाहिए को जैसे वो चाहें वैसे फ़ैसला करें, तो जाहिर सी मर्ज़ी है कि उनकी भी मर्ज़ी की शामिल होनी चाहिए। ये आजकल जो जनरेशन है वो मैं नहीं समझता कि अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए उनको। मैं समझता हूँ कि इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो अरेंज मैरिज इज़ बेस्ट मैरिज, हालाँकि मैंने खुद लव मैरिज की हुई है, मैंने खुद लव मैरिज की हुई है। तो अभी क्या आपकी कामयाब है इस वक्त? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हम अपने ऑब्जॉर्व कर रहे हैं ना चीज़ें, ऑब्जॉर्व करने का मकसद है कि फिर जो चीज़ें फिर आप अपने डिसीजन लिया तो उसको ऑब्जॉर्व ही करना है ना, अगर आप फिर वहाँ जाके कुछ चीज़ें करेंगे तो फिर आप अपने आप को नालायक है ना, फिर आप डिसीजन ले लिया ना आपने, उस पर कायम रहें अगर आपने कामयाब करना है लव मैरिज को। आपने देखा कि माशरे में बढ़ती हुई शरत तलाक की वजह से तमाम तर लोगों ने कहा कि लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज। फौजा कुलसुम राणा, खलीज न्यूज़, इस्लामाबाद।